द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञयोगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतयः समसितव्रतः। इसका अर्थ, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। इसका तात्पर्य, इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दात्व संस्था हैं। ये सब धन कर, दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ है। अन्य लोक जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रायण तथा चतुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणतः चतुर्मास व्रत करने वाला वर्ष के चार मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और न दिन में दो बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्ध विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या संख्या दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसके उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। अब इस श्लोक में भी भगवान विविध प्रकार के यज्ञों के बारे में कहते हैं, जैसे कि फर्स्ट बताते हैं कि कुछ लोग संपत्ति का त्याग करते हैं और ये व्रत, कठोर व्रत अंगीकार करते हैं। क्यों? उच्च कुल, उच्च जीवन की तलाश में या फिर उस प्रबुद्धत्व पाने के लिए। फिर दूसरी है, कठिन तपस्या करते हैं, अष्टांग योग पद्धति करते हैं। तीसरे इसमें, चौथे इसमें दिव्य ज्ञान खोजने की उन्नति करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं इस सिलसिले में। तो फर्स्ट वन जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं उसे दान कर्म क्या द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं, कि जैसे अपनी पूंजी, जो जमाई पूंजी है या किसी ऊंचे कुल का व्यक्ति है, धनाढ्य है, राजवंशी है, तो वो पैसा लगाता है धर्मशाला खोलने में, अन्न क्षेत्र खोलने में, अतिथिशाला खोलने में। ये सब श्रीला प्रभुपाद ने हमें समझाया है। तो इस प्रकार के यज्ञ, इसको भी यज्ञ, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है जिसको द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं। दूसरा जो भगवान ने
कृष्ण भगवान ने हमें बताया है कठिन तपस्या, जैसे चतुर्मास की तपस्या हुई, चंद्रयान पे जाते हैं लोग, कोशिश करते हैं, तो ये सब जो होता है बहुत कठिन कठिन अनुष्ठान करते हैं, चार चार महीने की उपवास रखते हैं, कुछ लोग पानी जल नहीं लेते हैं, ये सब तपोमय यज्ञ कहलाता है। फिर तीसरा जो भगवान ने बताया है वो है अष्टांग योगपीठ, जो पतंजलि पद्धति से करते हैं या हठ योग या अष्टांग योग से करते हैं, जो आजकल करते हैं ना प्राणायाम या फिर कुछ योग अभ्यास करना, जिसके इससे इस्तेमाल करते हुए इसको क्या करते हैं, वो ब्रह्म में लीन होने की कोशिश करते हैं, तो ये एक टाइप की सिद्धियाँ के लिए वो करते हैं, तो इसको योग यज्ञ कहा जाता है इन अनुष्ठानों को जो भगवान यहाँ पे बताए हैं और श्रील प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से हमें समझाया है। और चौथा जो यज्ञ भगवान बता रहे हैं, वेदों का अध्ययन करना, जो दिव्य ज्ञान की उन्नति में ये करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ये स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, चौथा यज्ञ जो शीला प्रभुपाद ने हमें समझाया है। जैसे विविध प्रकार के वैदिक साहित्यों को पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, संख्या फिलॉसॉफी संख्या दर्शन भी वो अध्ययन करते हैं, इसको स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। तो ये सब जो यज्ञ बताए हैं भगवान ने, ये सब कृष्ण भावनामृत में नहीं आती है, ये अलग है, कृष्ण भावनामृत पृथक है, मतलब अलग है, और ये सब यज्ञ अलग है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतना सब कुछ यज्ञ जीवन में है कि उसको करते करते बहुत जन्म लग जाएगा भगवान को ढूंढने में, क्योंकि जीव सोचता है कि ये मैं करता हूँ, ये बहुत उच्च जीवन के लिए मैं कर रहा हूँ, या किसी योग सिद्धि के लिए कर रहा हूँ, या भगवान को पाने के लिए कर रहा हूँ, मगर वो घूम फिर के कहीं नहीं आता, वहीं पर ठहर जाता है। मगर जो कृष्ण भावनामृत है वो इनमें नहीं आता, ये सब करके कृष्ण भावनामृत नहीं मिलता। कृष्ण भावनामृत केवल और केवल सिर्फ भगवान कृष्ण और तथा उनके जो प्रामाणिक भक्त हैं उनके ही कृपा से मिल सकता है। ये प्रामाणिक भक्त कौन है, जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, माने कि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे गुरुदेव, गुरुजन, आचार्यगण। क्यों ये हर बाकी सब चीज़ों में नहीं मिलती, ये सिर्फ इन्हीं से मिलती है, क्योंकि ये दिव्य है और ये दिव्य पुरुष हैं, खुद भगवान परब्रह्म हैं, और बाकी उनके जो प्रामाणिक भक्त हैं वो सत्य, परम सत्य को जानते हैं, परम तत्व को जानते हैं, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करते इन सब यज्ञों के बीच में, अपना सिर नहीं खपाते हैं, वो जिस किसी को मिलते हैं वो खुद भी इसे प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्टली कृष्ण भावनामृत को, और जो जिसको भी वो मिलते हैं, जिसी भी जीवात्मा को मिलते हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई भी हो, उनमें इतनी सक्षमता होती है कि वो सहजता से, जो सहज नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों, ये सरल नहीं है, सहज नहीं है, ये उनकी ही कृपा से मिलती है, ये सहजता से उनके कॉजलेस मर्सी से प्राप्त हमें हो जाता है भक्त और भगवान से। तो जो कोई व्यक्ति, जो कोई जीव जिसको कृष्ण भावनामृत इसी वेरी ओन लाइफ में मिलता है, वो बहुत ही भाग्यशाली जीव कहलाता है, क्योंकि उसे देवी देवता भी बड़भागी मानते हैं, क्योंकि वो भी इसे पा नहीं सकते जो इंसान के रूप में हम पा रहे हैं। तो ये इतना दिव्य प्रोसेस है जो भगवान धीरे धीरे करके हमें समझा रहे हैं कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ स्ट्रेटली सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ और हरि नाम का जप करते रहो, यही बहुत दिव्य स्तर पर तुम्हें लेके जाएगा और मुझे मिलवाएगा। जैसे पहले भी आपको बताया गया था नैमिषारण्य के बारे में, नैमिषारण्य में जब सौनका आदि ऋषि जो थे, बहुत सारे बोलते हैं, आकलन तो नहीं किया गया है मगर गुरुजन कहते हैं करीबन 28,000 सन्यासी मुनिगण आचार्यस वहाँ पे यज्ञ कर रहे थे काफ़ी हज़ार वर्ष पहले लोक कल्याण के लिए, मगर वो इस हेतु से कर रहे थे, भागवतम में कहा गया है कि कोई
उनमें से कोई ऐसा सन्यासी कोई आए उस यज्ञ में शामिल हो जिसे कृष्ण के बारे में पूर्णता से ज्ञान हो। और कुछ टाइम के बाद ऐसे ही हुआ, वहाँ पे सुत गोस्वामी आए और उनको देखते ही सब जो सन्यासी थे वहाँ पे, सौनका आदि ऋषि सब भी, वो उन्होंने यज्ञ बंद कर दिया। यज्ञ कभी बंद नहीं किया जाता है दोस्तों, वो अपराध होता है। मगर यज्ञ का मूल हेतु यही था कि कोई यज्ञ में ऐसा महान पुरुष आए जो कृष्ण तत्व वेता हो और उससे हम बैठ के कृष्ण कथा सुने, हरिनाम का महिमा सुने। इसीलिए वो यज्ञ उस हेतु से किया जा रहा था, इसीलिए वो बंद कर दिया था। तो जब सुत गोस्वामी वहाँ पे आए तो सब सौनका आदि ऋषि, सब ऋषिगण उनके पीछे पड़ गए कि हमें कृष्ण कथा सुनाइए, क्योंकि आप सब शास्त्र के ज्ञानी हैं। और स्वयं जब सुखदेव गोस्वामी, जो वेद व्यास मुनि के भगवान के पुत्र, उन्होंने परीक्षित महाराज को ये ज्ञान जब दिया था, भागवतम का श्रेष्ठ ज्ञान दिया था, भगवत धर्म का, तब वो खुद वहाँ पे मौजूद थे, बैठे थे सुत गोस्वामी अन्य मुनिगणों के साथ। तो उन्होंने कहा कि आपको तो सब कुछ पता है, हम में से कुछ लोगों को कुछ वेदों का पता है, किसी को कुछ पुराण पता है, किसी को कुछ उपनिषद पता है, मगर आपको तो सब कुछ पता है, भागवतम पूरा महापुराण भी पता है, भगवान कृष्ण कौन है असलियत में ये भी आपको पता है, तो कृपा करके ये यज्ञ हम बंद कर रहे हैं, आप कृष्ण भगवान के बारे में हमें सुनाइए। तो उन्होंने टटोलने के लिए, उन लोगों का मन टटोलने के लिए जब टेस्ट किया, कहा कि सही में आपको कृष्ण कथा सुनना है या यज्ञ नहीं करना है, तो मेरे गुरु महाराज कह रहे थे, जितने में वो ख़त्म कर रहे थे ये कह के, उतने में दो तीन मुनिगण उठ गए और दो बाल्टी पानी यज्ञ कुंड में डाल दिया, भस्म सब ये कर दिया, ख़त्म कर दिया और बोले अब सच में हमको सुनना है, आप हमें कथा बस सुनाइए। तो सुत गोस्वामी खुश हुए और उनके इन सारे प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा शुरू की, जो कि सबसे कल्याणकारी धर्म ग्रंथ है हमारा। श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता के जैसे। जैसे आपको बताया गया था, श्रीमद् भगवद गीता जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे श्रीमद् भागवतम शुरू होती है, और ये परमहंसों की संहिता है। तो ये जो जीव सुनता है वो सबसे भाग्यशाली जीव है, जैसे जो भगवद गीता सुनता है वैसे ही श्रीमद् भागवतम सुनने वाला जीव बहुत बड़भागी है, क्योंकि ये साधारण चीज़ नहीं है, क्योंकि जीव अनंत काल से भटक रहा है, गलत सलत परिधान अनुष्ठाओं में लगा हुआ है, सत्य की खोज में, सत्य सुख की खोज में, मगर वो हमेशा धोखा खा बैठता है और मार खा बैठता है और वापस वापस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो श्रीमद् भागवतम भगवद गीता तक जो जीव पहुंच जाता है वो कृष्ण कौन है असलियत में जान जाता है, कृष्ण तत्व वेता बन के ही रहता है, पता चल जाता है, और वो उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन कहलाता है। इसीलिए बाल्यकाल से ही हमारे बच्चों को हमें श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम और रामायण महाभारत जैसे इस श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन करवाना चाहिए। कुछ भी हो मगर किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से एक आदर्श से बिताए और दूसरों को भी ये दिव्य ज्ञान दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।